Yo, it's a boy, Animix Play back with another cringy ass juicy video. और One Piece का final saga announce हो चुका है और हाल ही में आए Road to Ponycliff के हिसाब से अभी भी बहुत से unexplored islands बाकी हैं, जैसे कि Vira, Risky Red, Raijin, Mysteria, Elva, Ballon Terminal, Karaibari, Hachinosu, Apple Line, Yukiryu इत्यादि. पर अभी भी दो islands बाकी हैं जिनका नाम इस लिस्ट पर नहीं आता है और वो है काफी ज्यादा important. वो है God Valley और द फाइनल आइलैंड लोडस्टार. क्या, एक सेकेंड, लास्ट आइलैंड तो लाफ्टेल है ना? ये किसने कहा? एक्चुअली हाँ भी और नहीं भी. इसको समझने के लिए चलो ओडिन के फ्लैशबैक में दोबारा चलते हैं. याद है जब रॉजर ओडिन और व्हाइट बियर्ड से बात कर रहा था, तब वो ये क्लेम करता है कि वो लास्ट आइलैंड ऑलरेडी जा चुका है 13 साल पहले, जो कि था लोडस्टार. और उसने कैसे तो बिग मॉम से वो रोड पॉनिक्लिफ चुरा लिया था. अब रॉजर को तो पॉनिक्लिफ पढ़ना आता था नहीं, बट यहाँ हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की वजह से उसको ये मालूम पड़ता है कि लास्ट आइलैंड में एक बड़ा ट्रेजर उसका वेट कर रहा है. मैं ये सब बना कर नहीं बोल रहा, ये स्टोरी में खुद बताया गया है. और अगर तुम्हें याद हो तो बिग मॉम खुद कहती भी है कि वो उस स्टोन को अपने अजीब से कोई एबिलिटी से पढ़ पा रहा था, मे बी वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स. इसका मतलब समझ रहे हो, एक ऐसा आइलैंड जरूर होना चाहिए जो कि मिसिंग है, जो कि ग्रैंड लाइन के मैप में है ही नहीं. और इसी वजह से तो उसे ओडिन चाहिए था, क्योंकि वो पॉनिक्लिफ को उससे बेहतर पढ़ सकता है. अब क्योंकि लूफी कोई बोरिंग सिट ऐसे एडवेंचर पे तो जाना नहीं चाहता, उसे तो सारे आइलैंड्स घूमने हैं. बिल्कुल रॉजर की तरह वो उसके फुटस्टेप्स पर चलना चाहता है, उसे पूरा वर्ल्ड घूमना है. आखिर पायरेट किंग का मतलब भी तो वही है ना, पूरे ग्रैंड लाइन को कॉन्करर करना. और अगर देखा जाए तो नामी भी एक स्टेप और क्लोज आ जाएगी अपने ड्रीम के. लेकिन अगर लोडस्टार लास्ट आइलैंड है तो लाफ्टेल का है, इसीलिए तो रोड पॉनिक्लिफ बने हैं. तो बेसिकली रोड पॉनिक्लिफ में 4 लोकेशंस लिखे गए हैं जिनके इंटरसेक्शन के बीच पे ही लाफ्टेल है. इसका मतलब लाफ्टेल लास्ट आइलैंड नहीं है, वो एक मिसिंग पीस की तरह है ग्रैंड लाइन का. और ऐसा ही कुछ हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग पे भी देखने को मिलता है. तो अभी मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था और मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्या बक दिया. तो रुको, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ. इंटरसेक्शन से मेरा मतलब है बीच में, लाफ्टेल दो आइलैंड के बीच में. या तो वो लोडस्टार के आगे है या तो पीछे है. अगर वो लोडस्टार के पहले आता है तो भाई बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर वो उसके पीछे है तो मे बी वो रिवर्स माउंटेन के बैक में है. और जो पॉनिक्लिफ्स हैं उनमें मे बी लोकेशन बताया गया है उन 4 आइलैंड्स का जिनके बीच में इंटरसेक्शन होना है. अरे यार मैप देख लो यार, अब लाफ्टेल आसमान में थोड़ी होगा. Okay, I take my words back. I know Oda is a crazy guy, so this might happen. और तो इसी वजह से तो लोडस्टार जाना जरूरी है उन लोगों को जो कि लाफ्टेल जाना चाहते हैं. क्या पता रॉजर ने वहाँ नेक्स्ट पायरेट किंग के लिए कोई मैसेज छोड़ा हो. और स्टोरी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हो सकता है कि वहाँ हमें कोई रॉजर पायरेट का मेंबर देखने को मिल जाए. जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं ईस्ट ब्लू में एंड में हमें क्रोकस देखने को मिलता है, पैराडाइज आइलैंड में हमें एंड में रेली देखने को मिलता है, और लोडस्टार में मे बी रॉजर का कोई पायरेट मेंबर हो जैसे कि स्कॉपर गबान या फिर सांग्स. और जब लूफी सांग्स से पहली बार मिलेगा तो ऑब्वियसली वो लूफी की हेल्प करेगा. बट डजंट इट साउंड लाइक कि वो चोजन वन है? मतलब थोड़ा नारुतो वाला फील तो आ रहा है यार. भै यार, मुझे वन पीस से ऐसा उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं था. अबे वो साकुरा से जाके साकुरा के डोजिन पढ़ना भाई, मतलब किसी से भी कंपेयर कर देगा तू वन पीस को. लेट मी एक्सप्लेन, जैसा तुम लोग सोच रहे हो बिल्कुल गलत है. लूफी से पहले भी एक ऐसा कैंडिडेट है जो पायरेट किंग बनने के सारे क्राइटेरिया फील करता है. यस दैट्स राइट, He's the great Captain Buggy. नहीं, एक तो यार मेरी वीडियो में आ गया, ऊपर से क्या बकवास कर रहा है. Shut your mouth. Okay guys, jokes apart, वो कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि एस है. इसे समझने के लिए हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में जाना होगा, जहाँ शैंक्स डेवल फ्रूट लेके फूशा विलेज जाता है. रिसेंटली हमें पता चला है कि शैंक्स ने वो डेवल फ्रूट एक मरीन शिप से चुराया था. और शैंक्स को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो किसी एनिमी शिप पे एक नॉर्मल डेवल फ्रूट के लिए अटैक करे. और उसे चुराने के बाद वो एक छोटे से ईस्ट ब्लू के आइलैंड पर जाए और सरप्राइजिंगली वहाँ पर एस हो. इंटरेस्टिंग राइट? और देखा जाए तो एस का एग्जिस्टेंस बहुत कम लोगों को पता था और शैंक्स उनमें से एक था.
अगर देखा जाए तो शैंक्स के क्रू में एक भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। मतलब ये तो क्लियर है कि वो डेविल फ्रूट किसी और के लिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेविल फ्रूट लूफी खा लेता है और शैंक्स को उस पर यकीन करना पड़ता है। और जब लूफी एग्जैक्टली सेम वर्ड्स कहता है रॉजर की तरह, तब शैंक्स उस पर पूरी तरह से बिलीव कर लेता है और अपना हेड जो रॉजर ने उसे दिया था वो लूफी को दे देता है। और फिर हमें आगे पता चलता है कि वो डेविल फ्रूट कोई नॉर्मल डेविल फ्रूट नहीं था। और स्टोरी में हमें बहुत बार दिखाया गया है कि सन अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है और लूफी के डेविल फ्रूट का नाम भी सन गॉड निका है। और ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट स्टोरी में डार्कनेस बुराई को रिप्रेजेंट करता है। और एस लूफी से पहले ब्लैक बियर्ड को हंट करना चाहता था और मांगा में एस और ब्लैक बियर्ड के फाइट के बीच ब्लैक बियर्ड एस को सन बुलाता है। इसका मतलब एस लूफी से पहले स्टोरी में सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डेविल फ्रूट ब्लैक बियर्ड पाना चाहता था यामी यामी नोमी, और जो डेविल फ्रूट शैंक्स पाना चाहता था हितो हितो नोमी मॉडल सन गॉड निका, वो दोनों डेविल फ्रूट दिखने में काफी सिमिलर है। और इसी वजह से व्हाइट बियर्ड ने एस को ब्लैक बियर्ड के पीछे जाने से नहीं रोका था, क्योंकि वो उसे पायरेट किंग बनने के लिए सबसे ज्यादा वर्दी मानता था। लाइक ही वॉज डेस्टिन फॉर इट। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो जब ब्लैक बियर्ड एस को मरीन के हवाले कर देता है तब वो लोग उसका एग्जीक्यूशन तुरंत अनाउंस कर देते हैं, जबकि इंपेल डाउन में उससे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉजर के ब्लड लाइन को इतना बड़ा थ्रेट मानते थे कि वो लोग एस का एग्जीक्यूशन अनाउंस टाइम से पहले ही करना चाहते थे। और मरीन फोर्ड वॉर में एस के मरने के बाद लूफी उसका विल कैरी करता है फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट पायरेट किंग। ओके, सो क्विक अपडेट, रूफी का इस साल 12th है और उसका भी एग्जाम चल रहा है, और वैसे भी वो साकुरा के डोजिन पढ़ने में बिजी है। वैसे भी वो कंसिस्टेंट नहीं है, सो आज से इस चैनल पे मैं टेक ओवर कर रहा हूँ और इसके बाद सारे वीडियो मैं ही अपलोड करूंगा। और अगर आपको दूसरे एनिमे पे वीडियो चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो उस पे कम वीडियोज है, पर 100 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं उस पे रेगुलर अपलोड करना शुरू कर दूंगा, अनलाइक रूफी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।